इन पाकिस्तान में जब भी किसी बड़ी कंपनी का कोई मल्टीनेशनल कंपनी का इवेंट होता है तो पीछे नाम एडपल्स के ही नजर आता है। खुर्रम जाफरानी साहब उसके सरबराज यहाँ आए और हमने इनको विजिट कराया, क्योंकि ये हर बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो या बड़े से बड़े इदारे के जो इवेंट्स होते हैं सब यही करते हैं। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप उनको जोड़ें, उनको विजिट कराएं, दिखाएं जेडीसी की फ्री लैब, जेडीसी के स्कूल, जेडीसी के डायलिसिस सेंटर, जेडीसी का आईटी सेंटर, जेडीसी का मुर्दा खाना, जेडीसी की फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस, जेडीसी के दस्तरखान, जेडीसी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं खुर्रम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। और आए खुर्रम भाई, आपको दिखाते हैं अंदर। और खुर्रम भाई, क्या आपने अपनी जिंदगी में पूरी दुनिया आप घूमे, इस किस्म की मॉर्चरी या इस किस्म का मुर्दा खाना देखा था जहाँ किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है और सफाई सुथराई और जिस किस्म का स्टैंडर्ड है, कैसा लग रहा है सब देखने? नहीं बिल्कुल, इससे पहले मैंने हालांकि एडी का और दूसरे लोगों का भी मुर्दा खाना देखा, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट है। एडी साहब से तो हम सीखते हैं सर, वो तो हमारे प्रिंसिपल हमारे रोल ऑफ मॉडल है और ऐसी बात हमारी वुमेन कम्युनिटी के बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत अच्छा जिस तरीके से आपने ऐसे स्टील्स की सारी चीजें बनाई है, मुर्दा खाना ये वर्ल्ड में नंबर वन बेस्ट है और जिस तरीके से ये सेटअप है और तीन चार दिन में ओपन कर रहे हैं तो इससे बेहतर जगह मैंने इससे पहले नहीं देखी। बस रेन इमरजेंसी लगी हुई सर, जैसे ही रेन इमरजेंसी हटेगी हमारी लाइन डल गई है, इंशाल्लाह इसकी बिजली ऑन हो जाएगी। तो और जो लैब का आप काम कर रहे हैं, लैब भी जो मैंने विजिट की थी आपकी वो बहुत अच्छी थी, लैब का काम भी बहुत ही अच्छा। आप समझ लें कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं, पूरे समझ लें आलम इस्लाम के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये जो आप कर रहे हैं अल्लाह ताला इसी वजह से आपको बढ़ाता जा रहा है। नहीं आपकी मोहब्बत आए खुर्रम, मैं आपको दिखाऊं जहां मैयतों का गुस्ल होगा वो कैसे बनाया गया है और उसमें ऑपरेशन थिएटर वाली लाइट्स लगाई गई है। देखें हर बॉक्स पे अलग नंबर लगा हुआ है, हर कोई भी किसी की मैयत यहाँ रखेंगे वो जब चाहे। अच्छा ये -5 वाला है कि अगर कोई मैयत 10 दिन के लिए रखनी है -5 डिग्री में जमा के तो वो इसमें आप रखेंगे। पूरे स्टेनलेस स्टील का सब 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 हर चीज सब हर चीज। जैसे ही आप खोलेंगे ये बटन खुलेगा ना, तो अभी तो लाइट बंद है, जैसे ही खोलेंगे दरवाजा बटन खुलेगा तो लाइट जल जाएगी अंदर। आए प्लीज मैं आपको दिखाऊं, ये फैमिलीज का वेटिंग एरिया है जिनकी मैयत रखी जाएगी। और ये हिनो कंपनी की बसें, एक एक बस 4-4 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए की, इसका नाम पड़े क्या लिखा है फ्री मैयत बस। कितनी बसें अभी तक? अभी माशाल्लाह हमारे पास 5 और 7 बसें हैं, 7 बसें माशाल्लाह। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सर जहाँ पे मैयतों को गुसल दिया जाएगा। औरतों का अलग है गुसल खाने, मर्दों के अलग है, दो दो मैयतों के बनाएगा। ये वेटिंग एरिया है, आए सर आए प्लीज आइए। खुर्रम भाई देखें यहाँ पर भी एसी लगे हुए हैं। अब ये खुर्रम भाई ये लाइटें इसकी, ये इस तो आप इसको मूव करें, देखें खुर्रम भाई लाइट को किस तरह मूव हो रही है, बीच में इसका हैंडल है, देखें जिधर भी चाहे आप घुमा सकते हैं। बिल्कुल, इसके हमने पहले ये देखा था कि अगर कहीं भी मुर्दा खाना में कहीं भी किसी जगह पे आती तो एक एक मिनट दो दो मिनट से ज्यादा लोड बहुत होता है ना गुस्ल देने के लिए, रश बहुत होता है। अब यहाँ हमने रखा है ये मर्दों के दो हुए हैं, मुर्दा खाने लाइट से बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ, कहीं भी मैयत के जिस्म में कोई चीज लगी हुई है, फुजला लगा हुआ है, खून लगा हुआ है, तो ये रोशनी आपको दिखा दी कि आप मैयत को पाक साफ ताहिर गुस्ल देकर जमीन के हवाले करेंगे। आइए अब ये मैयत ये कफन पहनाने वाली टेबल है, यहाँ से गुस्ल हुआ इस टेबल से और यहाँ से इसके ऊपर शिफ्ट होगी, इसके ऊपर कफन बनाया जाएगा, बीच में इसके पर्दा आ जाएगा अगर दो मैयतें एक साथ। आइए प्लीज, और इसी तरह से बराबर में खवातीन का ये सब मनाजिर, ये खवातीन का वेटिंग एरिया है, ये यहाँ पर खवातीन बैठेंगी जो लवाइकिन होंगे, ये खवातीन का गुस्ल खाना है, इसमें काम चल रहा है। हाँ आप देखें ये स्टैंडर्ड सर हमने जो दिया है ऐसा है ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं। ये देखें ना इसमें माशाल्लाह थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी आपने लगाया। बिल्कुल सर, हमने थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध और JFF UGI का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इसकी 100% फंडिंग की है। ये अमेरिका के हैं, जाफर फैमिली फाउंडेशन, UGI, ये अमेरिका के हैं, इन्होंने पूरे इसके खराजात बर्दाश्त किए, बल्कि फरजंदे पाकिस्तान अली शेखानी साहब की जानिब से यहाँ पर 150 KVA का नया जनरेटर कल दिया गया है, वो भी यहाँ आ रहा है कि खुदा न खासा किसी भी लोड शेडिंग की सूरत में किसी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप देखें ना सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हमने इंटरनेशनल में पढ़ा था ना कि PM होती है परफॉर्म करना, परफॉर्मेंस आपने करना और उसको मेंटेन करते हुए चलना, ऐसे ही। और जो आपकी स्टोरी है जैसे आपने JDC से स्टार्ट किया, आपने लैब भी बनाई, स्कूल्स भी बनाई, सारी चीजें और ये अभी मुर्दा खाना तक अल्हम्दुलिल्लाह आपने बनाया। अब ये सबसे बड़ी इसकी क्या बात है कि ये यूनाइटेड ग्लोबल इनिशिएटिव जो अमेरिकन कंपनी ये किसी के साथ UGI JFF ये फॉरन किसी के साथ आसानी से नहीं उतरती, मतलब पाकिस्तान में मैंने पहला इदारा देखा शायद ये कंपनी गाड़ियों की रेसिंग वगैरह अमेरिका में इनका भी बहुत बड़ा काम है। मैंने तकी साहब इसके वो हैं। जी मैंने क्योंकि यूके में एक दफा अटेंड की थी इनकी रेस और मेरे ख्याल से वही कंपनी और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अगर JDC को चुना है तो आप समझ लें कि तमाम जितनी भी वेलफेयर कंपनियां उनके लिए भी आप रोल ऑफ मॉडल है आप लोग और आप जो इस तरीके से काम कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको और बढ़ाते बढ़ाते जाएगा। और हमारी एजेंसी एडपल्स की जो कि मीडिया बाइंग हाउस भी है, मीडिया रिलीज भी करती है, इवेंट भी करती है, प्रोडक्शन भी करती है, आउट ऑफ होम भी करती है,
तो हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ है, हम खड़े हैं। और अल्लाह ताला ने तभी आपको भाई आप लोग सपोर्ट करें, तभी आपको पाकिस्तान की नंबर वन मीडिया एजेंसी बनाया। अल्लाह आपको और इज्जत दे। खुर्रम भाई थैंक यू आप आए विजिट करने, एक दफा फिर तमाम लोगों का शुक्रिया जो लोग सपोर्ट करते हैं जेडीसी को, और आगे भी करते रहिए ताकि इन तमाम कामों को पाकिस्तान भर में फैलाया जा सके।